नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo Y72 5G versus Motorola H20 Fusion का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Y72 5G में 6.46 इंच जबकि H20 Fusion में 6.54 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Y72 5G में 2.96 इंच जबकि H20 Fusion में 2.99 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Y72 5G में 0.33 इंच जबकि H20 Fusion में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Y72 5G में 185.5 ग्राम जबकि H20 Fusion में 185 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Y72 5G में IPS LCD जबकि H20 Fusion में OLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Y72 5G में 6.58 इंचेस जबकि H20 Fusion में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Y72 5G में 1080x2408 और H20 Fusion में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Y72 5G में 84.59% जबकि H20 Fusion में 85.91% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Y72 5G में 401 पिक्सेल प्रति इंच जबकि H20 Fusion में 393 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Y72 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्रिमेय कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो मैसेरा देखने को मिलता है। और H20 Fusion की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Y72 5G में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और H20 Fusion की बात करें तो उसमें 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Y72 5G में Adreno 619 जबकि H20 Fusion में Mali-G 57MC3 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Y72 5G में Qualcomm Snapdragon 480 और H20 Fusion में MediaTek Dimensity 800 UMT6853V मिलता है। बात करें RAM की तो Y72 5G में 8GB की RAM मिलती है जबकि H20 Fusion में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Y72 5G में 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि H20 Fusion में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Y72 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है,
जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 20,990 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें H20 फ्यूजन की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 21,499 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 22,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Vivo Y72 5G में 5 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Motorola H20 Fusion की तो उसमें 4 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में H20 Fusion आगे है, मेन कैमरा में H20 Fusion आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Y72 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Asus ROG Phone 3 है, जो कि 45,999 रुपए में मिलता है। दूसरा Vivo Y73 2021 है, जो कि 20,990 रुपए में मिलता है। तीसरा Motorola H20 है, जो कि 29,999 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y53 S4G है, जो कि 19,490 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।